जिसे एक जे फ्री फायर खेलना कैसा, जैसे हराम है या हलाल है? ये क्या होता है? जिसे ये गेम है एक क्या? गेम ऑनलाइन होता है, एक उसमें जो है यानी जैसे हम खेलते हैं तो एक प्लेयर होता है, उधर से एक प्लेयर होता है, बस उसे बंदूक से मारा जाता है और जैसे 5 बार मार देते हैं तो मर जाता है, उसके बाद फिर गेम रिटर्न हो जाता है। इसी तरह बस बंदूक से उसे मारना है। कई एक प्लेयर होते हैं और मतलब मारने का गेम है, गोली मारने का गेम है एक दूसरे को, जी बंदूक से देखिए मारने का पबजी गेम। जैसा, पबजी जैसा। देखिए देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर इसको कोई जुआ की तरह से खेल रहा है, इस तरह के गेम जो होते हैं जुआ की तरह से भी लोग खेलते हैं, 2 लोग 3 लोग बैठे जुआ की तरह खेल रहे हैं, जो हारेगा वो पैसा देगा, तब तो मुकम्मल तौर से हराम है। और अगर जुआ की तरह से नहीं भी खेल रहा है तो इस तरह का गेम जो आपने सूरत हाल बताया, ये तशद्दुद भरा गेम, इससे आपकी कोई अच्छी तरबियत नहीं हो सकती है। जाहिर है आपने बताया कि शूट करने वाला गेम है, तो इसमें इससे आदमी क्या सीखेगा, उसके अखलाकियात पर, उसके नफ्सियात पर, साइकोलॉजी पर असर क्या पड़ेगा? तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है, इसमें जुआ ना भी हो तब भी ये मुनासिब नहीं है। एक तो आदमी के अखलाकियात पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, दूसरा इसके अंदर वक्त का जिया है, जिसको इसकी लत लग जाती है वो इसका एडिक्ट हो जाता है, और फिर वो उसे कोई जी परवाह नहीं होती है, जो उसके ऊपर वाजिबात हैं वाजिबात अदा कर रहा है नहीं कर रहा है, इसकी कोई परवाह नहीं होती है। तो ये एक एडिक्शन है, इसलिए अगर इसका कोई भी शरई नुकसान है तब तो कतई तौर से हम कहेंगे कि ये नाजायज है, और अगर उन नुकसान से वो बच भी रहा है तब भी मैं कहूंगा कि ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसका असर आपके अखलाक पर अच्छा नहीं पड़ेगा। असल में शेख, बहुत किरदार और अखलाक जैसे आपने कहा ना, बहुत खराब करने का जरिया बन रहे हैं। क्योंकि ये गेम्स वगैरह में जो मतलब फीमेल जो प्लेयर दिखाई जाती है ना शेख, वो बहुत गलत तरीके से और बहुत गंदे तरीके से दिखाई जाती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये मतलब बच्चों के लिए तो खुसूसन हाँ, शेख, मतलब बहुत सारे बच्चे खेलते हैं। अब देखिए, जैसे भाई ने सवाल किया तो सवाल में उनको ये चीज बतानी चाहिए, मैंने तो ये गेम देखा नहीं है, उनको ये बताना चाहिए कि उसमें फीमेल प्लेयर होती हैं, उनके कपड़े ऐसे होते हैं, उनको मतलब मैं समझ गया आपने जो बात बताई। तो अगर इस तरह की चीज है तो सवाल में इसका जिक्र जब आएगा तो सामने वाला डायरेक्ट कहेगा कि हराम है, ये उसमें अगर मगर वाला मसला नहीं रह जाएगा कि अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो, फिर डायरेक्ट उसका हुक्म होगा कि वो हराम है।